चलिए आज वॉयस के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो व्हाट इज वॉयस। द प्रीवियस डे मॉर्निंग आई वाज टॉकिंग अबाउट द वॉयस, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस एंड देन दैट एग्जांपल आल्सो। पुनः आज जो है हम आपको बता सकते हैं, आप देखिए वॉयस किसे कहते हैं। आप वॉयस के बारे में जो है एक बार और सुन लें। यानी वॉयस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन आर द थिंग डज समथिंग आर समथिंग हैज बीन डन। Something has been done to a person or any things. मतलब तात्पर्य यह है कि हम कह सकते हैं ये कि वॉयस क्रिया का एक ऐसा भाग है जो ये व्यक्त करता है कि क्या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी कार्य को जो है कर रहे हो या उनके लिए जो है कोई कार्य जो है किया जा रहा। ठीक है, पुनः आप समझ लें कि वॉयस एक जो है क्रिया का वह भाग है जो ये बताता है या व्यक्त करता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कुछ करते हैं या उनके लिए जो है कोई कार्य जो है किया जाता है। ठीक है, तो यह वाच्य कहलाते हैं। वाच्य का मतलब बोलना होता है और जिसको हम अंग्रेजी में वॉयस कहते हैं। अब ये वॉयस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले हमने बताया था उस दिन क्या, फर्स्ट जो है एक्टिव वॉयस, जिसको हम कर्तृवाच्य बोलते हैं। और दूसरा होता है जो पैसिव वॉयस, पैसिव वॉइस, जिसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन अ वर्ब फ्रॉम सोज दैट अ वर्ब फॉर्म सो दैट द सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। सब्जेक्ट की इसमें प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य कि सब्जेक्ट हैज डन समथिंग, यानी कि कार्य को जो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम कर्तृ से भी है, यानी कर्ता से मतलब है। तो कहने का तात्पर्य कि जब क्रिया का जो है रूप यह बताता है, यह प्रदर्शित करता है कि कर्ता ने कोई कार्य जो है किया है, तो इसको जो है हम एक्टिव वॉयस यानी कि कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि ही रीड्स नॉवेल, ठीक है, कॉलम और नॉवेल, या हम कह सकते हैं ही रीड्स संस्कृत, वह संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो देख रहा है कि यहाँ पर ही जो आपका सब्जेक्ट है, रीड्स यानी वर्ब है, और संस्कृत जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव वॉयस में है और इसमें जो है कर्ता की यानी कि आपके सब्जेक्ट की ही ज्यादा जो है प्रधानता है, यानी सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को जो है कर रहा है, वो कौन सा कार्य है, पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है यह एक्टिव वॉयस के रूप में हुआ। लेकिन ठीक उसके जो दूसरा भेद है जिसको हम पैसिव वॉयस कहते हैं, पैसिव वॉयस किसे कहते हैं, यानी व्हेन अ वर्ब फॉर्म शोज दैट समथिंग हैज बीन डन टू द सब्जेक्ट, यानी कि जब
कोई भी वर्ब का फॉर्म ये जो है प्रदर्शित करता है कि कोई काम जो है सब्जेक्ट के लिए जो है किया जाता है, तो वहां पर पैसिव वॉइस होता है। जैसे अगर हम इसी को देखें कि संस्कृत, रीड बाय हिम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो है कर्ता के द्वारा जो है किया जा रहा है, लेकिन कर्ता के लिए किया जा रहा है, तो यहां पर ये जो है पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, इसके बाद आपको जो है वॉइस जानने से पहले आपको पूरा टेंस भी जो है जानना जरूरी है, और अगर आप टेंस नहीं जानते तो आपको समस्याएं जो है बीच बीच में आएंगी, या समझने में आपको जो है कुछ समस्याएं जो है पैदा होंगी। तो चलिए हम जो है वहां आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो वर्ब और उसका जो है जो वर्ब और वर्ब के साथ हमने जो है उस दिन टेंस जो है लिखे थे, आपको याद होगा या आप कहीं नोट किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो पुनः मैं लिख देता हूं इस पर। और उसके बाद जैसे हमने लिखा था क्या कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, रख रहे हैं। हाँ जी सर, धुंधला आ रहा है, ब्लर आ रहा है, धुंधला आ रहा है, यह तो नेटवर्क की समस्या होगी। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ तो एकदम सही है, स्पष्ट आ रहा है। सर आपका आवाज भी थोड़ा कट कट के आ रहा है, थोड़ा सा आवाज कट के आ रहा है, तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है सर, इसका समस्या समाधान क्या है? अब मौसम है, मौसम जब सही रहेगा, धूप रहेगी, सर ये नॉइस इज नॉट क्लियर, बारिश होने लगती है तो समस्याएं आने लगती हैं, ये स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए हम प्रयास करेंगे कि सर बारिश का मौसम बनाए इसमें सर सुनाई दे और समझ में भी आए। तो बहुत ही हम बहुत धीरे धीरे और एक एक बातों को जो है एक्सप्लेन करके जो है हम बताते हुए चलेंगे, इससे जो है ये ना लगे कि आपको जो है समझ में नहीं आ रहा। जो बच्चे ये कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुनः वह बातों को जो है सुन सकते हैं। जैसे हमने बताया कि वॉइस क्या है, वॉइस के बारे में हमने बताया, दूसरा जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बताया, दोनों को जो है हम एग्जाम्पल जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं टेंस और उसके वर्ब की, जो टेंस होते हैं 12 टेंस में 8 ही टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो उसी टेंस के वर्ब के बारे में कि जब हम किसी टेंस को जो है वर्ब में चेंज करते हैं तो कौन कौन से वर्ब जो है आते हैं और कैसे जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो पुनः एक बार जो है आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, और आर प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट में वाज और प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सर फ्यूचर भी है? हाँ फ्यूचर है, मालूम है, लेकिन आगे हम बताएंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ आप सुनिए, याद करने के अगर वे से देखा जाए तो बहुत ही आसानी रहेगी जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने बताया क्या सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का हमने बता दिया, यानी सिंपल प्रेजेंट पास्ट से मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट दोनों से मतलब है। ठीक है, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट के बाद क्या, तो हम अब चूंकि फ्यूचर इंडिफिनिट का बनता नहीं है तो इसलिए फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ले चलें, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग और प्लस
E3। हाँ जी बताएं सर, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर नहीं लगता है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है और प्लस। तो हमने तो लगता है, हम भी तो यही बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगता है। हम भी तो यही बता रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्म हम लिखवा रहे हैं ये पैसिव वॉइस का है कि नहीं? ये जो है टेंस का फॉर्म नहीं है, ये टेंस के नेम है और ये उसके जो है पैसिव के फॉर्म है। मतलब ये टेंस जब चेंज होते हैं तो इस फॉर्म में जो है चेंज हो जाते हैं। तो जो उसका स्ट्रक्चर है टेंस का पैसिव वॉइस में, वो हम जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं, न कि जो है हम टेंस बता रहे हैं। ठीक है, टेंस yes, कि आपको आना चाहिए और टेंस जानना चाहिए। जैसे हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस और यस और प्लस सब्जेक्ट होता है। अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो डज नॉट डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर उसी तरह इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस होता है, यही होता है ना। तो दैट इज टेंस, टेंस स्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट टेंस स्ट्रक्चर, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर प्लस बी प्लस बी थ्री, यानी पास्ट पार्टिसिपल। वैसे ही बात करते हैं हम पास्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस बी और प्लस बी थ्री। ठीक है, इसके बाद जो है पास्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का जो है प्रयोग होता है, तो इसलिए क्या हो जाना चाहिए, हैज हैव तो ऑलरेडी रखता है प्लस थ्री लगता है, लेकिन उसके जगह पर हम क्या लगाएंगे, हैज हैव प्लस बीन और प्लस। ठीक है, हैज हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है हैड, हैड प्लस बीन प्लस भी थ्री। ठीक है, अब ये हो गए कितने, सिक्स हो गए, और टू है, टू कौन कौन है, तो एक फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा और एक फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम मॉडल के रूप में लेते हैं, जैसे हम उसको मॉडल मान लेते हैं। मॉडल्स का मतलब विल सेल, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल सेल का यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है मॉडल का प्रयोग करेंगे, यानी मॉडल प्लस क्या हो जाएगा, हाँ जी ये हो गया सर, सेल नहीं लग रहा है, अब नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, केवल सेल से ही नहीं मतलब है। मॉडल्स का मतलब हो गया मॉडल ऑक्सिलरी, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी सभी केवल विल सेल की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं मॉडल्स यहाँ पर जो है लिखा हूँ। ठीक है, हमने इसीलिए टेंस का नाम नहीं लिखा, मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है विल सेल प्लस हैव, तो विल सेल प्लस हैव किसमें आता है, मॉडल्स प्लस हैव किस टेंस का है, ये जो है विल सेल और विल प्लस सेल प्लस हैव किस में लगता है, परफेक्ट में लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट को जो हम बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉडल्स प्लस हैव
प्लस बीम और प्लस भीतरी, ठीक है। यही आठ जो है टेंस है, इन आठ टेंस के जो है पैसिव वॉइस बनते हैं। अब एक एक करके आप समझ लीजिए ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल हम दोनों कह सकते हैं इसको। इसके कहने का तात्पर्य यह है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वन प्लस यस और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसा कि आपने ऊपर जो है लिखा कि ही रीड्स संस्कृत, ही रीड्स संस्कृत, तो ठीक चेंज करते हैं। यस सर, यस सर, रीड बाई हिम, ठीक है। वो कैसे हो जाता है इसको पहले हमको जानना बहुत ही जरूरी है। हमने कभी भी बताया था कि जब कभी भी क्या भैया एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में जब चेंज करना होता है तो उस समय दो बातें आपको ध्यान में देने योग्य होती है। पहला कि वो टेंस जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, और दूसरा कि उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो जो भी जो है हम सेंटेंस लिखेंगे क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है, सी राइट्स अ लेटर। तो हम यहाँ देखने का प्रयास क्या करेंगे, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, ठीक है। अगर इससे मालूम चल गया ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमारा नियम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर प्लस भी थ्री, यानी कि जब भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे या ही सी इट होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और जो भी प्लूरल होंगे उन सभी के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर yes, कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट यानी कि हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब यहाँ दूसरा जो चीज देखने की बात है वो है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो ये ऑक्सिलरी भी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जब ये सिंगुलर है तो हम इसका जब पैसिव बनाते हैं तो अ लेटर इज, क्योंकि लेटर एक ही है, written. है ना। अगर हम यहाँ पर भी लिख देते कि दे लेटर या दे इट्स अ मैंगो, ऐसे करके अगर लिख देते तो इसके प्लूरल होने से कोई नहीं होता है। कब, जब हम पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मुख्य रूप से केवल ऑब्जेक्ट का ध्यान देना होता है, ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लेटर इज और भी थ्री यानी सिंपल, तो क्या हो जाएगा, रिटेन बाय हर, बाय रिटेन बाय हर, हर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप प्रयास करिए बताने का। अगर हम कहते हैं सी राइट्स लेटर्स तो क्या हो सकता है, लेटर्स आर रिटेन, लेटर्स आर रिटेन बाय, लेटर्स आर रिटेन बाय हर, यस, इसके जगह पे आर हो जाएगा। ये जानना जरूरी होता है खिड़की वाला जगह ऑब्जेक्ट है ब्लैक रोड काला कर दे, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है। जब ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑक्सिलरी भी हमारा प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटर्स आर रिटेन बाई हर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देने योग्य बात है, जब कभी भी आप जो है बनाते हैं कभी किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जो आप पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो आपको दो चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। पहला क्या, कि जो सेंटेंस है किस टेंस का है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और प्लूरल है, दोनों ध्यान देने योग्य। क्लियर है,
अब इसके हमने बताए थे कि जो अगर नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव होगा तो भी आप जो बना सकते हैं, जैसे अगर कहूं यस सर शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, तो क्या बनेगा इसका? लेटर डज नॉट ओटर इज नॉट अ लेटर चलिए मैं अब बताता हूँ, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि सी डजंट राइट ए लेटर, अगर मैं लिखता हूँ सी डजंट राइट लेटर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि डज को बस हम रिमूव कर देते हैं, यहां से डज का कोई रोल नहीं होता इसमें, और इसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। अब उसके बाद हम केवल नॉट का ही यूज करते हैं, बाकी जो जो प्रक्रिया जो है पहले थी यानी अफर्मेटिव में थी वही जो है निगेटिव में होती है, और नॉट की जगह पर हम नॉट रख देते हैं। तो क्या बन सकता है यहां पर? अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा नहीं जाता है, यानी उसके द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गए आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर ये इसको हम बनाते हैं कि डज सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है? डज सी राइट अ लेटर, तो क्या बनेगा? यहां पर डज को भी हम रिमूव करते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे आप देख सकते, डज सी राइट अ लेटर अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या कि हमारा लेटर वही है, सिंगुलर है, तो इसलिए जो ऑक्सिलरी लगेगी इसमें सिंगुलर की या प्लूरल की, जैसा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार जब जो भी जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी लगती है उस ऑक्सिलरी को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? इज अ लेटर रिटन बाय हर, इज अ लेटर रिटन बाई हर, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है, या उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है? ये जो है आपको जो है समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है ऐसा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दूसरा, फिर उसके बाद आते हैं हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं। सिंपल पास्ट का आप समझ सकते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद जो है क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस भी वन और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जब हम निगेटिव में आते हैं तो डिड नॉट लग जाने के कारण अब यहाँ पर भी टू के जगह पर भी वन हो जाता है, क्योंकि डिड के साथ या डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म जो है नहीं लगाएंगे निगेटिव में, और यहाँ जो है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। पुनः इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डिड हम पहले लगा देते हैं, तो चलिए एक उदाहरण उसका भी जो है हम देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे अगर कहें कि सी मेड अ डॉल, सी मेड अ डॉल, वह एक गुड़िया बनाई, सी मेड अ डॉल, वह एक गुड़िया बनाई, ठीक है। इसको जो है फिर इसका निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा?
सी डिड नॉट मेक अ डॉल, ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड सी मेक अ डॉल, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलिए तीनों का हम जान लेते हैं पैसिव वॉइस क्या हो सकता है। यानी पहला है हमारा सी मेड अ डॉल, यानी वह एक गुड़िया बनाई, ठीक है। आप आ जाइए यहां पर, यानी वाज वर प्लस वी थ्री, सेम कंडीशन यहां भी है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ वाज का प्रयोग, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो उसके साथ वर का प्रयोग और प्लस वी थ्री का प्रयोग होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या बन सकता है, अगर हम कहते हैं अ डॉल, एक ही डॉल है इसलिए सिंगुलर ऑक्सिलरी लगेगी, यानी अ डॉल वाज मेड बाय हर, अ डॉल वाज मेड बाय हर, यानी एक गुड़िया उसके द्वारा बनाई गई, अ डॉल वाज मेड बाय हर, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। जब इसको जो है हम निगेटिव में ले चलते हैं तो क्या बनेगा इसका, अ डॉल वाज नॉट A doll was not made by her. A doll was not made by her. यानी उसके द्वारा एक गुड़िया नहीं बनाई जाती है, ठीक है। ठीक, जब इसका इंट्रोगेटिव करते हैं तो क्या बनता है, यानी did है यहाँ पर और डॉल लिखा हुआ है, तो यानी कि ऑक्सिलरी जो है पहले हो जाएगी, तो क्या बन जाता है, वाज और डॉल वाज अ डॉल मेड बाय हर, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत ही गंभीरता से आप समझिए इसको, कि कैसे जो है इसमें बदलाव होता है, किस तरीके से जो है चेंजिंग होती है। जब हम ये कहते हैं कि सी मेड अ डॉल, ठीक है, सी मेड अ डॉल यानी कि डॉल हमारा क्या है, डॉल की जो संख्या है वो एक है, यानी सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसके साथ ऑक्सिलरी जो है वाज लगेगी, और क्यों जो है वाज ही लगेगी, क्यों नहीं इज एम आर लगेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यही कारण है कि वाज यहां जो है लगेगी, ठीक है। अब अगर ये जो है नहीं रहता उस टेंस में तो नहीं लगता, तो इसी टेंस के अनुसार जो है यहां वाज लगेगा, इसलिए हर डॉल was made by her हो गया। जैसे अगर मैं कहता ये कि she made dolls, अगर इस तरह की बात मैं कहता कि वह बहुत सी गुड़ियों को बनाती है, इसका मतलब एक जो है लड़की यानी वह बहुत सी गुड़िया बनाई, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर पुनः बदलाव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहां पर सिंगुलर न होकर के प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो क्या बनेगा, वर हो जाएगा, है ना, प्लूरल के जगह पर वर हो जाएगा, तो क्या बन सकता है, डॉल्स वर मेड बाय हर, डॉल्स वर मेड बाय हर, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं निगेटिव में कि सी डिडंट मेक अ डॉल, वह एक गुड़िया नहीं बनाई, सी डिडंट मेक अ डॉल। तो यहां पर जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो यहां हम देखते हैं कि अ डॉल यानी एक ही गुड़िया है, सिंगुलर में है, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, यानी अ डॉल वाज नॉट मेड बाय हर। अगर यहां पर भी जो है हम अ डॉल के जगह पर डॉल्स लिख देते तो क्या बनता, तब यहां पर जो है वर का प्रयोग हो जाता है, यानी डॉल्स वर नॉट मेड बाय हर, डॉल्स वर नॉट मेड बाय हर हो जाता है यहां पर। ठीक है, पुनः हम इंट्रोगेटिव में जब चलते हैं, डिड सी मेक अ डॉल, यानी कि क्या वह एक गुड़िया बनाई, अगर इस तरह की हम बात करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव अगर हम चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहां भी जो है हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ भी जो है क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हमारा ऑक्जिलरी भी सिंगुलर है, और इस ऑक्जिलरी को जो है हम पहले रख देते क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो है वाज से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए वाज और डॉल मेड बाय हर, यानी क्या एक गुड़िया उसके द्वारा बनाई गई। अगर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कहते कि डिड सी मेक डॉल्स, क्या वह गुड़ियों को बनाई, अगर जो डॉल्स यानी प्लूरल में कर देते हैं तो यहां पर जो स्थिति बदल जाती, अर्थात ये जो ऑक्सिलरी है ये प्लूरल यानी वर का जो है प्रयोग हो जाएगा, तो अब जो है वर के अनुसार जो है यहां हो जाएगा, यानी वर डॉल्स मेड बाय हर, क्या गुड़ियों को उसके द्वारा जो है बनाया गया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे, क्लियर स्पष्ट तरीके से। चलिए मैं पूछ लेता हूं एक एक करके, रोशन गिरी, क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, हिमांशु यादव, यस सर बोलिए सर, क्लियर है, कोई शंका? नो सर। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर आपको समझ में बातें नहीं आती है तो आप पुनः पूछ सकते हैं, कैसे हुआ, बहुत ही आसान तरीका है इसका बनाने के लिए, आप बहुत ही ज्यादा जो है उलझन में नहीं पड़ना, बहुत ही सिंपल तरीका इसका बता दिया है कि ये जो है आपके टेंस है, इसी आठ टेंस के जो पैसिव वॉइस है उन्हीं का स्ट्रक्चर है जो आसानी से आपको, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इसकी चर्चा बाद में करेंगे, यहाँ कर लेते हैं मॉडल्स की, क्योंकि बहुत आ गया कैसे, तो हम मॉडल्स की बात कर लेते हैं। देखिए मॉडल मतलब ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रियाएं, ठीक है, और ये सहायक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आता है आपका, वर, हैज, हैव इत्यादि जो आते हैं, ये किसमें आ जाते हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है। सेल है, कैन है, कूट है, मे है, माइट है,
यानी कि बहुत सारा जो है ये मॉडल एक्सिलरी हो जाता है। तो हमने मॉडल की बात क्यों कहा, हम ये भी लिख सकते थे कि विल या हम लिख सकते थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते थे, फ्यूचर इंडिफिनिट भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे, केवल हमने मॉडल लिखा यानी फ्यूचर इंडिफिनिट लिखा, और फ्यूचर इंडिफिनिट वो ही यहाँ जो है मॉडल हमने लिख दिया है। इसका मतलब क्या, जो फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा तो उसमें क्या लगेगा, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, यानी कोई भी मॉडल्स आए प्लस उसके साथ बी, और तब जो है उसके बाद भीतरी यानी पास्ट पार्टिसिपल का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पैसिव वॉइस का जो है क्या है, स्ट्रक्चर है, किस टेंस के लिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, और जब फ्यूचर इंडिफिनिट का जो है बन जाता है तो आप आसानी से जो है इसको बना लेंगे। दूसरा जो है इस मॉडल की हम बात करें, मॉडल्स प्लस हैव की बात करते हैं। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे कि विल, हैव और सेल हैव किस टेंस में लगता है, किस टेंस में लगता है, आदित्य सिंह, राजकुमार, फ्यूचर इंडिफिनिट में सर, फ्यूचर, फ्यूचर या फ्यूचर, जब आपको टेंस नहीं मालूम रहेगा तो समस्या है, तो आप लाजमी है आपको एकदम तुरंत कहने के साथ ही पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये, जैसे हम कोई भी अगर टेंस पूछते हैं तो पूरा सारा डाटा जैसे जो है उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि इस टेंस का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं। देखिए ये विल, सेल और विल हैव, सेल हैव जो है फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हमने इसको क्या कर दिया, मॉडल्स प्लस हैव कर दिया, नाम दे दिया, यानी है ये फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन हमने इसको लिख दिया मॉडल प्लस हैव, क्योंकि कोई भी मॉडल आ जाए, कैन, कुन, के, मे, माइट, कोई भी आ जाए, तो उसके बाद बनता क्या है, जब पैसिव वॉइस का हम जो है इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें हो जाता है कोई भी मॉडल्स प्लस उसके साथ हैव प्लस बिन और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो है यानी कि आठवां टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस का है इस तरीके से बन जाता है। तो इस तरीके से मॉडल्स को लेकर किसी भी प्रकार का जो है आपको शंका नहीं होना चाहिए कि ये मॉडल्स क्या हैं या क्यों मॉडल का जो है यहाँ प्रयोग किया गया है। हम ये बताने का प्रयास किए आपको कि आप केवल टेंस के नाम से ही जानते हैं तो टेंस के नाम से आप विल और सेल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन भविष्य में कभी भी आपके सामने अगर आता है, कैन आ जाता है, कुड आ जाता है, मे आ जाता है या माइट आ जाता है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा तो कभी बताया नहीं गया, अब इसको किस में हम चेंज करें। तो इसलिए हमने जो है मॉडल्स का प्रयोग कर दिया, और इस मॉडल के प्रयोग के साथ कोई भी मॉडल आए प्लस हैव आए या कोई भी मॉडल आए प्लस उसके स्ट्रक्चर में बी प्लस बी थ्री बढ़ जाएगा, और दूसरे टेंस के जय किसी भी मॉडल में है प्लस बी प्लस बी थ्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से जो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मॉडल का जो प्रारूप है। अब बाकी जो शेष है यानी कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस,